सोहरा मराठी में कहते हैं सेलिब्रेशन को, और सेलिब्रेशन अलग अलग किस्म का होता है, और ये जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही अलग किस्म का है, और जब तक कि आप ये फिल्म नहीं देखेंगे तब तक ये किस किस्म का सेलिब्रेशन है इसका पता आपको नहीं चलेगा, और इसकी उत्सुकता तभी बढ़ती है तब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सेलिब्रेशन, ये सोहरा किस लिए हो रहा है। इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गजेंद्र अहिरे, उन्होंने ये फिल्म लिखी भी है, और इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, उनमें से मैं एक हूँ। क्या है ये सुरेश जी जो है ना सर, एक गुंदेचा जी हमारे बहुत दोस्त हैं, इनको फिल्म लाइन में बड़ा काम करना है, तो इनकी इन्होंने मतलब बिग शॉट दे आर इन रत्नागिरी, कुछ भी हम लोग 100 करोड़ की भी फिल्म प्लान कर रहे हैं, कर सकते हैं, पर इनकी एक इच्छा थी कि यार मैं बेशक राजस्थान में पैदा हुआ लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो मराठी है, तो लेट मी स्टार्ट माय करियर विद मराठी। और फिर मैं एक्साइटेड हो गया जब सचिन साहब ने हाँ भरी, बिकॉज ही इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन इंडिया। किसी साहब को वहाँ लेके गया था मैं, पूरी रत्नागिरी बताई, वो बोल रहे थे कि इधर कर दो उधर कर दो, मैं बोला मेरे को पिक्चर पूरी रत्नागिरी में बनानी, खाली एक गाना है मैंने यहाँ पे शूटिंग किया मुंबई में, बाकी पूरी पिक्चर रत्नागिरी। रत्नागिरी वैसे बहुत अच्छी देखने जैसी है, लोगों के आने जाने के लिए, रुकने के लिए सुविधा, हर चीज़ की सुविधा अच्छी लगी, इसलिए रत्नागिरी में बनानी। और रत्नागिरी में मैं वहाँ से पैदा ही हूँ और वहीं से मेरे को वहाँ बनानी, ये रत्नागिरी की मेरी इच्छा है और इसलिए मैंने वो रत्नागिरी के लिए पिक्चर बनाई है। सोहळा नावाचा सिनेमा है, याच्यामध्ये सचिन पिळगावकर, शिल्पा तुळसकर, विक्रम गोखले, मोहन जोशी, भारत गणेशपुरे अशी कास्टिंग आहे। आणि ज्या पद्धतीने माझ्या आत्तापर्यंत सिनेमामध्ये तुम्ही बघितलं की एक आपल्या भोवतालात जे काय घडतं, जे काय वातावरणामध्ये आपल्या आसपास सराउंडिंगमध्ये जे काय होतं, तर त्याची ती गोष्ट आहेच, अगदी आत्ताची कंटेम्पररी गोष्ट आहे, पण इट इज अबाउट मॅन वुमन रिलेशनशिप म्हणू शकतो आपण, नातेसंबंध म्हणू शकतो, नातेसंबंधाचा गुंता म्हणू शकतो, आणि जो काय स्ट्रेस आलाय आत्ताच्या कुटुंब पद्धतीवरती माणूस आता एकेकाळी आपण सोहळा इंग्रजीत सांगायचं तर सेलिब्रेशन जी गोष्ट आपण खूप एन्जॉय करतो, आपल्याला आवडतं करायला, अशा आपण म्हणू की प्रत्येकानं आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जर असा ठेवला की आयुष्य एक सोहळा आहे, आपण घेतो पण खूप गोष्टींचा अतिविचार करत राहिलं तर आयुष्याचं काय होऊ शकतं आणि त्यातनं त्याचे होणारे परिणाम हे फार छान होत नाही, त्यामुळे आहे तो आत्ताचा क्षण खूप छान जगणं, हियर अँड नाव ज्याला आपण म्हणतो।